मैं समय जम्मू के ग्रेटर कैलाश में हूँ। यहाँ पर SGIT सॉल्यूशन है जहाँ पर JKSSB के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए जा रहे थे, और यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट का सुबह पेपर हुआ। अभी दूसरे बच्चे भी लाइन में लगे हैं जिनके दोपहर में पेपर होने हैं। सुबह इशू हुआ था कुछ बच्चों से ही जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सुदाम है सर, मैं घूल से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन से। अच्छा, 200 कुछ एबो किलोमीटर से मैं आया हुआ हूँ। पहले तो बात जो SGIT है, ये हमारा सेंटर है ही नहीं। अच्छा, कौन सा सेंटर था फिर? ठीक है, जो हमारा है, मैं एक मिनट कैमरा आप जूम करना इस पे, ये सेंटर पे जूम कर लो, JKIT है। ये कहाँ पर है, ये एग्जिस्ट करता है या गलत लिखा हुआ? वो इनको पता होगा ना बनाने में, ये बोर्ड अकॉर्डिंग यहाँ पर पहुँचे हैं या फिर क्या? पता पूछा था आपसे कि ये है कि नहीं है। सर हमें बताया था कि यहाँ पे जो बाकी ने एड्रेस दिया वो यहाँ का दिया है, लेकिन सेंटर हमारा नाम गलत है, नाम गलत हो गया, नाम भी हो सकता है गलत। उसके बाद जब आप एग्जाम देने गए फिर क्या हुआ? सेंटर में नहीं बिठाया गया हमें, SGIT। हाँ, SGIT हमें, वो पहले इनका ये फॉल्ट है। उसके बाद दूसरे जो मतलब ये वेरीफाई देख लो, वेरीफाइड हुआ है। कैमरामैन से अपने से बोलिए कि इसको ज़रा जूम करें, ये देखो वेरीफाइड हो गया हुआ है। वेरीफाइड होने के बाद जो हम अंदर जा रहे हैं, हमारे पास सीटें ही नहीं है बैठने के लिए, और जो रोल नंबर फर्स्ट वाला था जो लड़का, वो यहाँ से उठ के कहीं और बैठा रहे थे, इधर से उधर बैठा रहे थे, उधर से इधर बैठा रहे थे। जैसे हर एग्ज़ाम होता है रोल नंबर लगे होते हैं डेस्कों पर, यहाँ कोई रोल नंबर डेस्क पे नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर मतलब ये बोर्ड को मतलब चाहे कि अगर इसके पास मतलब फैसिलिटीज नहीं है CBT करने की, ये MRI सीधा जो मतलब हमारा पुराना हो रहा था, जैसे मतलब हम शीट लेके दे रहे थे ऑफलाइन, वैसे कराओ। अगर आपके पास ये है तो फिर इसको सही करवाओ। फिर बोलने लगे टेक्निकल फॉल्ट, अगर टेक्निकल फॉल्ट होता सर वो एरर आता, वो रिज्यूम नहीं होता, ये बंद बार बार कर रहे थे, तो बार बार बंद कर रहे थे। उसकी वजह से हमने इनसे यही डिमांड की थी कि ये यहाँ तो सबको बंद कराओ, यानी फिर भी इन्होंने जो उस साइड वाले थे शटर उतार दिया, शटर उतार के बच्चों के सारे अंदर पेपर करवाया हुआ और हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद बाहर निकले, हंगामा हुआ, तब जाके अब ये सेटलमेंट दोबारा हुई। आप लोगों को क्या बोला गया? आप कह रहे कि पहले टाइम से इन्होंने सिस्टम बंद कर दिए, तो अब दोबारा डेट दी गई, एग्जाम होंगे या फिर किस तरह से आज के एग्जाम को किस तरह से आपका रहेगा शेड्यूल? सर अभी तो जैसे ADC साहब आए थे, ADC साहब है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ये ऐसे वैसे बोल के 25-26 कोई डेट बोले, हमें कोई कंफर्म किया नहीं, क्योंकि बोर्ड से जब कोई आया नहीं हम किसको मानेंगे। अब 200-300-500 किलोमीटर दूर से बच्चे आए हुए हैं इस टाइम, यहाँ तक कि कोई बच्चे जो मतलब प्राइवेट कोई गरीबी के तौर से वो चंडीगढ़ वगैरह जॉब कर रहे हैं, वो वहाँ से आए 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके, अब वो फिर आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे, मतलब कितना होगा। लेकिन फिर भी हमसे कुछ क्लियर बोला नहीं गया हुआ, और उस साइड तो अच्छे से इनने पेपर करवाया शटर बंद करके, वो कौन सा पेपर होता है शटर बंद करके। क्या नाम है जी? अक्रम। आप कहाँ से आए हैं? मैं कठुआ से आया। कठुआ से आए हैं, तो JKSSB बोर्ड इंतजार कर रहे थे लोग कि एग्जाम कंडक्टर आए पोस्ट जो है जॉब्स के लिए, आपके साथ भी वही सेम इशू हुआ जो ये बता? मैं भी इसी की शिफ्ट में था, सुबह वाली शिफ्ट में। क्या माहौल था अंदर जब आप एग्जाम देने गए? वहाँ पे मतलब बहुत कंजेस्टेड था, मतलब बच्चे बिल्कुल मतलब पास में बैठे, और काफ़ी बच्चों की मतलब उनको सीट नहीं मिली, कोई 30 बच्चे होंगे जिनको मतलब सीट नहीं मिली बैठने के लिए, तो वो बच्चे बाहर मतलब प्रदर्शन करने लगे। 30 बच्चे थे जिनको सीट नहीं मिली, बाहर आ गए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से हमें भी मतलब हमारा मतलब कोई 1 घंटा हो चुका था। आप भी उनमें शामिल थे या आप नहीं? मैं अंदर बैठा हुआ था, मेरा एग्जाम हो रहा था, मैं एग्जाम दे रहा था। अच्छा। और मैं ना 50 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका था मैं। अच्छा। तो बीच में इन्होंने हमारा सर्वर सभी के जितने भी अंदर बैठे हुए थे सभी के इन्होंने बंद कर दिए सर्वर, तो और जिसके कारण कहा कि हम आपका एग्जाम नहीं होगा। अब हमने रीजन पूछा क्यों नहीं होगा, तो कह रहे थे बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है इसलिए हमने आपका एग्जाम बंद कर, प्रोटेस्ट हो रहा है जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका बंद करवाना, वो बीच टाइम हमने वही तो कहा कि हमारा तो अगर हो रहा है तो हमारा तो पूरा ले लो। हमारे साथ वाला एक और जो है ये है SGIT, इसके आगे JKIT है, उधर बच्चे अंदर शटर बंद करके अंदर उनका एग्जाम हो रहा है। अच्छा। शटर बंद करने का क्या मतलब है, लॉजिक बना मुझे समझ नहीं है। ठीक है, उनका एग्जाम हो रहा है, उन्होंने एग्जाम दे भी दिया और हमें आधे टाइम में बाहर निकाल दिया, हम लोगों सभी को, सारों को बाहर, सभी को जो इस वाले सेंटर में थे SGIT वाले सेंटर में थे। अच्छा। इनको सभी, और मैं एक और क्या बात कहूंगा, हमारे जो हमारे एडमिट कार्ड है उसमें JKIT वाला है जो मतलब यहाँ पे हम सेंटर जो है, तो हमें बैठाया गया SGIT में, क्यों? यहाँ की इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब बिल्कुल मतलब कमी है, यहाँ कोई सेटिंग है कुछ हम कुछ नहीं जानते। मतलब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है ना, एग्जाम्स हम ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे लाइसेंस के लिए बोलूंगा एक बार, एक तो हमारा हमें लाइसेंस नहीं मिल रहा, ठीक है,
ऊपर से हमारे साथ ऐसे मजाक हो रहा है, तो हम बच्चे यूथ हमारे कहाँ जाएंगे? अब कोविड रहा, 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, तो हम कुछ कर नहीं पाए, हमारी एजिस हो रही हैं, जब एज लिमिट निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंटली आप अभी क्या काम शाम कर रहे हैं या इसी की तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, इसी के एग्जाम की तैयारी में, 1.5-2 महीने जब पहले पोस्ट निकली तो पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद तैयारी में बैठ गए। तो हम जब सुबह आए तो हमारे, ये देखो आपने रोल नंबर 2 बार वेरीफाई करवाया इन्होंने, हमारा एग्ज़ाम सेंटर जो ये है JK IT इंस्टीट्यूट, हमें IT इंस्टीट्यूट में नहीं बैठाया गया, हमें आप वो SG IT इंस्टीट्यूट में बैठाया गया। बैठाया भी कहाँ गया, जब हम अंदर इंटर हुए तो 200 बंदे बाहर खड़े हुए थे और 120 बंदे का इनके पास अरेंजमेंट था टोटल। तो जो बच्चे बैठे उनमें से आधे बच्चों का जो है एरर आ रहा था, उनका नेट ही नहीं चल रहा था। तो जब हम गए तो हमने पूछा भाई क्या मसला है, तो बच्चों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि भाई हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा। बाकी वाले बच्चों का एग्ज़ाम शुरू हो गया था, तकरीबन 40 मिनट एग्ज़ाम चला, तब तक हम बाहर ही वेट करते रहे। उसके बाद कुछ बंदे आए और बाकी वाले बच्चों को भी बोलने लगे कि आपका पेपर भी कैंसिल हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम बंद होने वाला है। तो फिर सभी बच्चों को बाहर निकाला गया, बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक आया बंदा, ADC सर आए थे, वो भी अपनी सफाई दे करके कुछ खास, उन्होंने भी कुछ नहीं हमारे हक में कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद जब SHO साहब आए और कुछ बंदे, एक बंदा SSB का मेंबर में से एक मेंबर आया, वो बोलने लगा हम आप पे FIR लगाएंगे। यार ये हमारा क्या कसूर है कि हम पे FIR लगाया जा रहा है? एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो SSB का हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर रही है, हमने फ़ी भरी हुई है उनके लिए 350 रुपये। जब हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन की फ़ी भरते हैं तो उसी में ये पूरा प्रोसेस आता है। जब इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी तो क्यों हमें बुलाया? हमारा सेंटर कहीं और पे भी बन सकता था, जहाँ इनके पास अकोमोडेशन होती थी वहाँ इन्होंने सेंटर बनवाना था। पूंछ से आया हूँ, मेरे साथ और 3-4 बंदे आए हुए हैं जो आए हुए हैं वहाँ से स्पेशली सर पेपर देने के लिए आए, और 1000 रुपया किराया देकर आए, 1000 रुपया अब जाने का देना पड़ेगा। हम गरीब फैमिली से सर इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आ जाए 10 दिन के बाद फिर आना, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और जो अभी क्या डिमांड करते हैं, लाइक अभी तो खैर आपका आज का वक्त निकल गया, आप क्या डिमांड करते हैं? हमारे सर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी और PM सर से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको हमारे एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी, और JKSSB के बोर्ड से भी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाया जाए और अच्छे तरीके से करवाया जाए। अब बोल रहे हैं जिन बच्चों ने पेपर दिया है कि बोल रहे हैं अच्छा पेपर था, और अब जो नेक्स्ट पेपर होगा अब पता नहीं उस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, सिलेबस चेंज करेंगे, कुछ अभी वो क्लियर नहीं है। आपको बता दूं ये SG IT सॉल्यूशन है ग्रेटर कैलाश में, यहाँ पर आज मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम रिटर्न एग्जामिनेशन था, और अभी ये सेकंड बैच जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है जो सुबह एग्ज़ाम था वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गई, जिस कारण कुछ बच्चे जो बाहर आ गए सड़कों पर, उन्होंने प्रदर्शन किया, और उसके बाद जो बच्चे अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे वो लोगों का उन्होंने सर्वर बंद कर दिया, ऐसे बच्चों का कहना है कि सर्वर बंद कर दिया और जो उनको एग्ज़ाम नहीं देने गया। JK आप सामने देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JKIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज करके एक सेंटर है, आधे बच्चों का इसका नाम था और उनको बिठाया गया SG IT सॉल्यूशन में, क्योंकि ये दोनों सेंटर आसपास हैं। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ से जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे हैं वो अंदर जा रहे हैं, जो युवा हैं, जो तमाम यूथ हैं वो अंदर जा रहा है, इस तरह से भी अंदर जा रहा है। लेकिन सुबह के बैच में ये यहाँ पर इस तरह से बच्चों ने एलिगेशन लगाया कि जिनका JKIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में सेंटर आया था उनको SG IT सॉल्यूशन में बिठाया गया, जो कि सीट्स नहीं थी, बच्चों को जब चेयर सीट्स नहीं मिली वो बाहर आ गए, और इस दौरान जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनका सर्वर बंद कर दिया और एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि नौकरियाँ ज़्यादा निकलती नहीं है, JKSSB बहुत समय के बाद इस तरह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है जॉब्स के लिए, लेकिन इस तरह से अगर होगा तो उनको नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? बहुत सारे बच्चे दूर दराज, कोई रियासी के गूल से, अरनास से, कोई पुंछ राजौरी से, डोडा किश्तवाड़ से यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आया है, कोई चंडीगढ़ से अपनी नौकरियाँ छुट्टी लेकर आया है, खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके आए हैं। लेकिन ये पूरे हंगामे के बाद यहाँ पर मौके पर ADC भी आए और उसके साथ ही SDPO इलाके के SHO तमाम आए, और उसके बाद इन्होंने थोड़ा यहाँ पर जो माहौल है उसे शांत और नॉर्मलाइज़ किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर के बाहर भी काफ़ी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, और ख़ासतौर पर इस इशू के बाद ज़्यादा तैनाती यहाँ पर की गई कि ज़्यादा हंगामा ना बरपे और छात्र जो हैं वो अग्रेसिव होकर कोई भी दिक्कत परेशानी है वो क्रिएट ना करें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी माहौल शांत है। लेकिन जो सुबह फर्स्ट बैच के जिनका एग्ज़ाम हुआ था वो बच्चे रोशित हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और LG मनोज सिन्हा से अपील कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स इनके दोबारा से लिए जाएँ, वरना ये जो इंतज़ार कर रहे हैं कि नौकरियाँ मिलेंगी वो नौकरियों का इनका सपना जो है कहीं ना कहीं वो टूट सकता है, ये ओवर एज हो सकते हैं।